हेलो गाइस, जैसा कि दोस्तों आपको पता है CNCIN चित्रंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और फाइनली उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो आ चुकी है दोस्तों। और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन सी डेट को वेरिफिकेशन करवाना है, साथ के अंदर बात करेंगे कहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, पूरी डिटेल से अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और घंटी के निशान को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट है। इसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट और आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है और उसके बाद में फाइनली इसका जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको चित्रंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सेकंड कैंपस स्ट्रीट नंबर 299 प्लॉट नंबर DJ01 प्रीमिसेस नंबर 020321 एक्शन एरिया ID नियर टाउन कोलकाता 700156 यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा दोस्तों। और आपका जो है ये पूरी लिस्ट है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ये क्या लिस्ट है दोस्तों? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसके अंदर आपके सीरियल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर टोटल 39 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। 39 देख सकते हैं आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अपन बात करें SC कैटेगरी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी के अंदर कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों? तो SC कैटेगरी के अंदर 22 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में अपन बात करें ST की, तो ST के अंदर 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। और उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों OBC कैंडिडेट्स की, तो OBC कैंडिडेट्स की कितने लोगों की लिस्ट आई है देख लेते हैं अपन। OBC के दोस्तों टोटल 26 कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो EWS की जो लिस्ट है टोटल 10 EWS कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद PWD के अंदर 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट के अंदर इनका नाम आया है। तो दोस्तों, जिनका इसमें नाम है अपना नाम चेक कर लें। और इस ये जो PDFs है, और मतलब इसकी जो लिंक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बताना चाहूँगा कि आप जो है हमारा चैनल है एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज का टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर ले दोस्तों, आपको PDF डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है EXPERT एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में अपन बात करते हैं किन किन कैंडिडेट्स को कौन कौन सी डेट को जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज का जो है टेलीग्राम चैनल है एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज। आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करना है और उसमें यहाँ एक सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें टाइप करना है एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज। ये टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपको एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज का चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। नीचे की तरफ आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा जब आप टेलीग्राम ऐप ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे उसके बाद, तो यहाँ से आपको PDF डायरेक्टली मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी डेट्स को आपका वेरिफिकेशन होगा। तो जैसा कि दोस्तों अभी अपने ऊपर देखा था कि कौन कौन कैंडिडेट्स का जो है, जैसे कि अपन ने देखा था कि अनरिजर्व कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स थे और सब कैटेगरी के, तो उसमें से दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के जो सीरियल नंबर 120 और SC के 111, ये तो ये दे रखा आपको है ना, इनको आप देखेंगे तो 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है जो ऊपर एड्रेस बताया था उस पर, ठीक है। और जिनका सीरियल नंबर यहाँ से शुरू होता है उन कैंडिडेट्स को जो है 23 से लेकर 29 जुलाई के बीच में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है दोस्तों कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ये लिस्ट आई है मेरिट लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी अनाउंस आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट, आपकी जो है 10th 12th की मार्कशीट्स है, डिग्री, आपकी डिग्री या डिप्लोमा, रेशन सर्टिफिकेट्स, कार सर्टिफिकेट्स, मूल निवास, ये सब आपको चाहिए। और जिन्होंने एक्सपीरियंस, जिनके लिए एक्सपीरियंस मांगा था उनको एक्सपीरियंस। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अपन जब ITR भरते हैं, जैसे कि अपनी जो ITR अपन भरते हैं तो वहाँ फॉर्म 16 आता है, तो उन फॉर्म 6 दो साल का जो है फॉर्म 16 आपको जमा कराना है। साथ में 3 महीने की जो सैलरी स्लिप होती है आपकी, वो स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, जिनके पास एक्सपीरियंस मांगा था GNM कैंडिडेट्स को उनको। और साथ में आपको ये सब चीज़ें ओरिजिनल भी लेके जानी है, साथ में जो है फोटोकॉपी भी लेके जानी है, कम से कम 2 सेट आप लेके जाएँ, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेके जानी है।
तो ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, जो कहीं गवर्नमेंट में भी काम कर ले उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी कभी गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में NPSU में काम करें उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय, साथ में जो वीडियो वगैरह के लिए दे रखा है तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और इस PDF को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में यही कहूँगा, यदि आप चैनल पे आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के निशान कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।